अब उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है, तो शायद ही पता चले कि पिछले 20 साल से वो किन पुलिस वालों और नेताओं के शह पर आतंक मचाता रहा। कानपुर के चौबेपुर इलाके के एसओ विनय तिवारी और पूर्वी चौकी इंचार्ज के शर्मा पकड़ में आए हैं, लेकिन बाकी लोग कौन थे अब ये कैसे पता चलेगा, ये बड़ा सवाल है। 9 जुलाई को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की थी, जिसमें उसने कुछ बड़े खुलासे किए थे। जानिए वो खुलासे किस साठ गांठ की पोल खोलते हैं। विकास दुबे ने अपना जुर्म मान ली, साथ ही उसने ये भी बताया कि आखिर क्यों डीएसपी देवेंद्र मिश्रा को इतनी बेरहमी से उसके लोगों ने मारा। उसने बताया कि देवेंद्र मिश्रा से उसकी अनबन थी, मिश्रा उसे देख लेने की धमकी दे चुके थे और कई बार पहले बहस भी हुई थी। गिरफ्तार खबरी एसओ विनय तिवारी ने ही ये जानकारी दुबे को दी कि डीएसपी देवेंद्र मिश्रा उसके खिलाफ हैं। विकास ने बताया कि उसने खुद देवेंद्र मिश्रा को गोली नहीं मारी थी, बल्कि उसके गैंग के सदस्यों ने उनकी हत्या की थी। पूछताछ में दुबे ने दावा किया कि देवेंद्र मिश्रा ऐसा कहते थे कि दुबे का एक पैर खराब है, दूसरा भी सही कर दूंगा। इस बात की खुन्नस उसने निकाली और उनके पैर पर भी हमला करवाया। डीएसपी देवेंद्र के चेहरे का एक हिस्सा उड़ गया था। विकास के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें बिल्कुल करीब से गोली मारी गई थी। ताबड़तोड़ गोलियों से बचने के लिए मिश्रा उसके मामा के मकान में घुसे थे और तभी उनकी हत्या की गई। विकास दुबे ने उसे पकड़ने गए डीएसपी समेत पुलिसकर्मियों के दल पर कानपुर के चौबेपुर इलाके के बिकरो गांव में घात लगाकर हमला कर दिया था। इस गोलीबारी में 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे। दुबे तब से फरार चल रहा था। पुलिस पूछताछ में विकास ने कुछ और भी खौफनाक खुलासे किए थे। खबर आई थी कि उसने 5 पुलिस वालों के शव एक के ऊपर एक रखे थे। विकास के मुताबिक वो इन शवों को जलाकर सबूत मिटाना चाहता था, लेकिन मुठभेड़ के बाद मची अफरा तफरी में वो फरार हो गया। शवों को जलाने के पीछे सबूत मिटाने की मंशा थी और इसलिए विकास ने अपने घर में बड़े बड़े गैलन में तेल जमा कर रखा था। विकास की पकड़ काफी मजबूत थी। पुलिस के आने की इन्फॉर्मेशन उसे पहले ही मिल चुकी थी। अपने कबूलनामे में उसने पुलिसकर्मियों से मिली भगत वाली बात कबूल कर ली। उसने ये भी बताया कि एनकाउंटर वाली रात उसने सभी सहयोगियों को हथियार के साथ बुलाया था और उसके घर 30 लोगों का खाना बना था। सारी सीमाएं सील होने के बावजूद विकास यूपी के ही औरैया में एक दिन तक रुका रहा। पुलिस थाने के करीब से 3 टिकट लेकर 2 साथियों समेत बस से दिल्ली के लिए निकला था। दिल्ली राजस्थान होते हुए ही वो मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचा था। हिस्ट्री शीटर विकास ने ये भी दलील दी थी कि वो हत्याकांड करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे मजबूर किया गया और इसका उसे पछतावा है और वो इसके बाद मंदिर में बैठकर घंटों रोता रहा। विकास को 9 जुलाई को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद ये टीम दुबे को कानपुर लेकर आ रही थी। कानपुर पुलिस के मुताबिक 10 जुलाई की सुबह दुबे को ला रही टीम की गाड़ी पलट गई। इसी दौरान विकास घायल पुलिसकर्मी के पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। इस एनकाउंटर पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा था कि विकास दुबे के पकड़े जाने से कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है, क्योंकि विकास के संबंध राजनेताओं और पुलिस के लोगों से भी थे। यही वजह है कि वो 20 साल से हत्या फिरौती जैसे अपराध को अंजाम दे रहा था, फिर भी बचा रहा। लेकिन सवालों के जवाब अब शायद ही सामने आ पाएं।